बैठी हूँ वो तू। अगर कोई कहते बैठ जा तो मैं आधी बार बैठ पाछो उड़ जाऊं, लेकिन एक बार तो बैठूंगा ही। तो मैं एक आखिरी बात कहता हूं, आजादी के बाद में हम लोगों ने, नेताओं ने, बड़े अफसरों ने, जिम्मेदार लोगों ने युवाओं की शक्ति और बूढ़ों की भक्ति का दुरुपयोग हुआ है। इस पर लिखा है, युवा की बिगड़े शक्ति जहां, बूढ़ों की बिगड़े भक्ति जहां, युवा की बिगड़े शक्ति जहां, बूढ़ों की बिगड़े भक्ति जहां, मर जाए आत्मा सब की वहां, फिर चल नहीं पाए रब की वहां। अरे ऊपर से साधु सातु लगे, अंदर से आत्मा है जाली, ए भारत के रखवालो तब तुम कैसे करोगे रखवाली। अंतिम है साहब, अंतिम लाइन अच्छी है। क्यों धर्म के नाम पे लड़ते हैं, क्यों जात के नाम पे मरते हैं, क्यों धर्म के नाम पे लड़ते हैं, क्यों जात के नाम पे मरते हैं, नहीं रब को याद जो रखते हैं, बेमौत सदा वो मरते हैं, नहीं रब को याद जो रखते हैं, बेमौत सदा वो मरते हैं। आखिरी लाइन मेरी सुनिए, पूरा सार आ गया। आखिरी लाइन है, नहीं रब को याद जो करते हैं, बेमौत सदा मरते हैं। अब साथ मनाओ ना यारो, अब साथ मनाओ ना यारो, चाहे ईद हो चाहे दिवाली, ऐ बार रखवाली। बगिया जब, ये बगिया जब संयोग हो गया, बगिया जब लूटी जाएगा, सह दे देगा जब खुद माली, ये भारत के रखवालो तब तुम कैसे करोगे रखवाली। ये सर मैंने अभी नहीं 92 में लिखा है, हालांकि आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट वेन आई आई एम स्टडिंग इन कॉलेज, मैं इतना होशियार नहीं था। लिखने के बाद में मैंने मेरे गुरु को पूछा है कि मैंने लिखा है, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, मैं राजा हरिश्चंद जैसा तो नहीं हूं, लेकिन मैं झूठ कम बोलता हूँ, ये मेरे मन की बताओ। मेरे गट की माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, देर वॉज 1994 वी वर इन यूनिवर्सिटी बोथ, तो एक लड़के ने कह दिया नेता चोर होते हैं। तो मैंने कहा इस तरह के तो बहुत झूठे चोर होते हैं। तो मैंने कहा तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो गए सच और झूठ, पाप और पुण्य? तो उन लड़के ने कह दिया नेता होते हैं चोर। मैंने कहा ऐसे होते हैं झूठे चोर, मेरे गढ़ की तुम कब जानो? तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो मैंने लड़कों को खींच दिया कि आप तो राजनीति के बारे में नहीं जानते, आखिरी एक मिनट की फिर मैं वही बात बोलूंगा। मैंने जीवन में राजनीति में आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम लोग नेताओं की बुराई करते होंगे, मैंने राजनीति को स्वर्ग का मार्ग माना है, तपस्या माना है, साधना मानी है, यज्ञ मानी है। आप ईमानदारी से लोगों की सेवा कीजिए, 100% किसी की हिम्मत नहीं, आप स्वर्ग में जाएंगे, भगवान के पास जाने के पास भगवान कहेगा हाउ मेनी नंबर यू गेट। तो आप कह सकते हो हमारी शिक्षा प्रणाली में माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे, 36% का नंबर मिलने के बाद लड़का 8वीं की बजाय 9वीं जाएगा, और माननीय सभापति महोदय जो दुनिया छोड़ के जाएंगे हम, भगवान कहेगा नरक में डालोगे, नो आई हैव गॉट नियर अबाउट 50% नंबर, व्हाई आई विल गो इन नरक, ओपन प्लीज ओपन डोर ऑफ स्वर्ग, आई विल गो श्योर। ये आपके मन में विल पावर होना चाहिए, जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो विल पावर है, अरे बेटा मंगलिया दूल्या मैं जाऊं बेटा, रे ध्यान रख जो समझ लियो काको छो का कर्म करियो है, कर्म करे यार स्वर्ग में जाए, और जब पहली बारह मेलवा लाग जा रहा बारह मरगा रे मरगा दर संभल ली।